नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। सोम प्रदोष व्रत कथा। दोस्तों, सोम प्रदोष व्रत कथा की पौराणिक व्रत कथा के अनुसार एक नगर में एक ब्राह्मणी रहती थी। उसके पति का स्वर्गवास हो गया था। उसका अब कोई आश्रयदाता नहीं था, इसीलिए प्रातः होते ही वह अपने पुत्र के साथ भीख मांगने निकल पड़ती थी। विचाटन से ही वह स्वयं एवं पुत्र का पेट पालती थी। एक दिन ब्राह्मणी घर लौट रही थी तो उसे एक लड़का घायल अवस्था में मिला। ब्राह्मणी दयावश उसे अपने घर ले आई। वह लड़का विदर्भ का राजकुमार था। शत्रु सेनाओं ने उसके राज्य पर आक्रमण कर उसके पिता को बंदी बना लिया था और राज्य पर नियंत्रण कर लिया था, इसलिए वह मारा मारा फिर रहा था। राजकुमार ब्राह्मण पुत्र के साथ ब्राह्मणी के घर में रहने लगा। एक दिन अंशुमति नाम की गंधर्व कन्या ने राजकुमार को देख लिया तो वह उस पर मोहित हो गई। अगले दिन अंशुमति अपने माता पिता को राजकुमार से मिलाने ले आई। उन्हें भी राजकुमार भाग गया। कुछ दिनों के बाद अंशुमति के माता पिता को भगवान शंकर ने स्वप्न में आदेश दिया कि राजकुमार और अंशुमति का विवाह कर दिया जाए। उन्होंने वैसा ही किया। ब्राह्मणी प्रदोष व्रत किया करती थी। उसके व्रत के प्रभाव और गंधर्व राज की सेना की सहायता से राजकुमार ने विदर्भ से शत्रुओं को खदेड़ दिया और पिता के राज्य को पुनः प्राप्त कर आनंदपूर्वक रहने लगा। राजकुमार ने ब्राह्मण पुत्र को अपना प्रधानमंत्री बनाया। ब्राह्मणी के प्रदोष व्रत के माध्यम से जैसे राजकुमार और ब्राह्मण पुत्र के दिन फिरे, वैसे ही भगवान शंकर अपने दूसरे भक्तों के दिन भी फिरते हैं। अतः सोम प्रदोष का व्रत करने वाले सभी भक्तों को यह कथा अवश्य सुननी चाहिए और अथवा पढ़नी चाहिए। तो दोस्तों, इसी प्रकार और भी रोचक जानकारी के लिए आप हमारे चैनल में को लाइक शेयर व सब्सक्राइब करें। हमारे चैनल में विजिट करने के लिए धन्यवाद।